चलिए बच्चों आइए लिखते हैं हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब गैस लिक्विड में कैसे सॉल्युबल होता है उसको हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ हेनरी लॉ। उन्होंने दिया है कि गैस को हम लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होती है। उन्होंने कहा द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पासिंग प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव लिक्विड सरफेस। तो हम कह सकते हैं हम सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं x, ये x क्या है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। हम कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। हेनरी लॉ कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होती है लिक्विड में वह डायरेक्टली किसके होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस अबव द लिक्विड सरफेस, दैट इज कॉल्ड P इज इक्वल टू kh into mole fraction of gas in liquid where P is equal to partial pressure, P is equal to partial pressure above the liquid surface, above the liquid surface and KH is equal to Henry constant, Henry constant and S is equal to mole fraction of gas in liquid। तो डायरेक्ट से हम जानेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर हम रिलेशन देखें मोल फ्रैक्शन ऑन पार्शियल प्रेशर पर तो एक ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बताना चाहेंगे आपको। मान लीजिए प्रेशर है ठीक है लिक्विड सरफेस पर प्रेशर इन प्रेशर ऑफ गैस एबव लिक्विड सरफेस, एबव लिक्विड सरफेस एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है देखेंगे हम ये कैसे हमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। हम देखें इसके स्लोप को अगर देखें स्लोप को अगर हम देख कर एक एंगल बनाएं ये थीटा का एंगल बनता है। हम कह सकते हैं स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप इज इक्वल टू टैन थीटा। अब टैन थीटा इज इक्वल टू आप जानते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ पी अपॉन एक्स मोल ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है tan theta is equal to p gas partial gas above liquid surface upon x mole of gas in mole fraction of gas in liquid is equal to k h मतलब हेनरी कांस्टेंट के। ठीक है बेटा बात समझ में आ रही है। इसके बाद हम जानेंगे कि k h जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है। k h आर डिपेंड अपॉन द सॉल्वेंट। ठीक है के एच आर डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ गैस, अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट या नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा क्या के एच हेनरी कॉन्स्टेंट। ठीक है इसका मतलब यह है कि के एच यहां देखिए यहां बात करते हैं के एच मतलब हेनरी कॉन्स्टेंट ना बढ़ेगा कितना इंक्रीज करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा। अगर हम बात करें हेनरी कांस्टेंट का जितना ये इंक्रीज करेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड क्या होगा डिक्रीज होगा। और अगर ये डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी ये भी क्या होगी डिक्रीज करेगी। ठीक है बात समझ आ रही है। तो आइए हम इस हेनरी कांस्टेंट के फार्मूले के अकॉर्डिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, और इनटू 10
ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, थैंक यू।